जस्ट कैप बोथ द बैग्स इन द बूट स्पेस बिकॉज दोनों ही बैग में काफी इंपॉर्टेंट सामान है। आज सुबह से मैं काफी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज मैं दो नई चीज खरीदने वाला हूँ और टू विच आई वांट टू शेयर वन थिंग, मतलब काइंड ऑफ मैं शेयर करूंगा, और जो दूसरी चीज है वो मैं बताऊंगा आप सबको 21 अगस्त के बाद। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और वो बताने का रीजन यही है बिकॉज 21 अगस्त को है वो फंक्शन और 22 अगस्त को है मेरी मम्मी का बर्थडे, और दोनों थिंग्स फुल्ली कनेक्टेड है। और बाय द वे जो आज मैं पहली चीज लूंगा वही काइंड ऑफ सेम है द सेकंड थिंग, मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं, बट आई थिंक आप लोग मेरे ब्लॉग का हाईलाइट देख के समझ गए होंगे कि वो चीज क्या हो सकती है। और दूसरी चीज भी काइंड ऑफ वैसी सेम टू सेम है, बस द कंपनी इज डिफरेंट बट द प्रोडक्ट इज सेम। मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में कहा था अबाउट माय कोलकाता वाला पार्सल जो मुझे परसों मिला था टॉक्सिक, मतलब कोलकाता टॉक्सिक से, लेकिन उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दे टॉक्सिक वालों ने बिकॉज जो साइज लिखवाई थी उससे काफी बड़ी और कुछ चीज काफी छोटी भेजी है। तो वो वापस से आज पूरा अहमदाबाद में जाके हमारे टेलर से पूरा वापस से सब तामझाम करवाना पड़ेगा, बट मैंने टॉक्सिक में फोन करके वहां से कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मंगवा लिया है जो मुझे मिलेगा मंडे को, और हमारा फंक्शन है सैटरडे को। सो वी जस्ट हैव 5 डेज इन बिटवीन मंडे एंड सैटरडे, सो होपफुली वो भी पूरा स्टिचिंग परफेक्ट हो जाना चाहिए बिकॉज अगर वो स्टिच नहीं हुआ तो फंक्शन में पहनने का क्या होगा, बट या फिंगर्स क्रॉस हो जाना चाहिए। So change in plan, we may have to stay at my mama's home अगर shopping आज की पूरी नहीं हो पाई तो। By the way अभी plan में change इसलिए हुआ because shopping अभी थोड़ी बहुत और भी बाकी due to the size issues और कुछ पसंद नहीं है, और बाकी में कुछ color problems थे, so yeah just because that आज का मे बी प्लान चेंज हो सकता है। I'm just finding a bill, मुझे पता नहीं मिल ही नहीं रहा कहाँ मैं रख के भूल गया। So it's 2:06 in the afternoon and just dropped my mom and now we are going to the OnePlus store. वो क्यों हुआ आपको on the way ही बताता हूँ। So finally बहुत सारी जगह पर पार्किंग ढूंढने के बाद मुझे exactly OnePlus store के बाजू में ही complex में पार्किंग मिल गई because मैंने वहाँ पर स्ट्रेट ली तो यहाँ पर देखा तो सब जगह पर गाड़ियों को पूरा लॉक करके रखा, अभी तो पार्किंग यहाँ पर मिल चुकी। So finally I have bought one thing from the OnePlus store for which I was waiting from the last 4 to 5 days, आज finally मुझे जाके यहाँ पर मिल गई है। बाजू में दूसरा भी स्टोर था जहाँ से मुझे एक और चीज लेनी है वो भी वहीं पे है, सो आई जस्ट गो एंड ग्रैब दैट। नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड बोथ थिंग्स इन माय कार बिकॉज दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है, नाइदर माय फैम नॉर माय मॉम हैव टू चेक दिस थिंग्स। बोथ द बैग्स इन द बूट स्पेस बिकॉज दोनों ही बैग में काफी इंपॉर्टेंट सामान है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर क्या है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्पेशल थिंग फॉर मी एंड फॉर माई मॉम्स बर्थडे एंड इनफैक्ट फॉर द फंक्शन। आप लोग थोड़ा बहुत नज़र लगा सकते हो कि मैंने कौन सी चीज़ ली है, क्या हो सकता है वो। अभी तो माई मॉम वर्क हैज बीन डन, सो लेट्स गो एंड पिक अप, उसके बाद शुरू करते हैं आज के शॉपिंग का उन सबका कार्यक्रम। सो करंटली वेयर इन द मानिक चौक, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अब जाके थोड़ी बहुत पार्किंग मिली है बिकॉज सब जगह पे पीछे पार्किंग फुल ही है, और अब जाके एक कार निकली है। सो आई एम गोना सेट माय कार ओवर देयर। सो इट वाज अ हेल लॉट 1 आवर बिकॉज हम लोग गए थे भी मानिक चौक में, सब लोग मेरा भी पीछे देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ट्रैफिक, और आई थिंक मैं कोविड के बाद पहली बार ऐसी फुल पब्लिक एरिया में गया हूँ। वहाँ से निकल के अभी हम लोग आए हैं सीजी स्क्वायर मॉल में, फटाफट चलते हैं अंदर, 2-3 काम फटाफट से निपटाते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि ये पूरा मॉल खाली है, फिर जाके देखा मतलब इतना खाली क्यों लग रहा था, फिर जाके देखा कि कोई शॉप्स ही ओपन नहीं है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग होने वाली बिकॉज कोई शॉप्स ओपन है नहीं, जस्ट डिकैथलॉन एंड दिस मार्क एंड आई मीन मार्क्स एंड स्पेंसर इज ओपन। सो आई वाज व्लॉगिंग इनसाइड द सिटी स्क्वायर मॉल, वहाँ पे किसी ने मुझे आके बोला कि
फोटोज वीडियोज कुछ भी लेना अलाउड नहीं है। और इनफैक्ट मेरी फ़ोन में से फिर क्लिप ही डिलीट करवाई, बट फॉर्चुनेटली फोन के अंदर रिसाइकल बिन था तो लाइक क्लिप मेरे फोन के अंदर ही थी। एंड नाउ वी आर लुकिंग टू द मेल ऑर्डर टू जस्ट पिक अप माई सूट। लास्ट टाइम व्हेन वी केम हियर मींस अराउंड 3 डेज बैक, आई थिंक इट वॉज अ ट्यूजडे और एल्स मंडे, तब मेल ऑर्डर बंद था और आज खुला है। पता नहीं तब क्यों बंद था, बट अब बस आज मुझे मेरा आउटफिट मिल जाए तो एक बहुत बड़ा काम एटलीस्ट खत्म हो। अगला शॉट सीधे मेरे आउटफिट के साथ। तो फाइनली एज आई सेड इन माय लास्ट शॉट, के अगले शॉट में दिखूंगा आपको मेरे वही सूट के साथ। तो या हियर इज़ माई मेल ऑर्डर का सूट। अराउंड 30-40 मिनट पे बैठना पड़ा बिकॉज शर्ट में वापस एक लोचा हुआ था अबाउट दी बटन कलर्स। उन लोगों ने मुझे व्हाइट ला के दिए थे, आई वॉन्टेड दी ब्लैक वन, सो वो चेंज हुआ। देन ट्रायल किया, देन ब्लैक टाई पसंद की, तो उन सब ने आराम से टुक अराउंड 40 मिनट इजीली। एंड नाउ वी आर गोइंग इन दी फैब इंडिया बिकॉज वी स्टिल हैव सम टाइम, सो वी जस्ट गोइंग चेक देयर अबाउट दी पर्स एंड ऑल दैट। सो वी जस्ट वेंट टू फैब इंडिया, वहाँ भी कुछ मज़ा नहीं आया बिकॉज दी कलेक्शन वॉज लाइक ओके ओके, तभी कुछ खास था नहीं। और अगर मैं लास्ट फोन वाले शॉट में ना दिखा हो तो आई हैव गॉट माय ऑर्डर फ्रॉम मेल ऑर्डर फाइनली। सो नाउ आई कैन से दैट माय आउटपुट इज फुल्ली ऊपर से नीचे फ्रॉम हेड टू टो इट्स कंप्लीटेड। अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब वही कोलकाता वाले टॉक्सिक वाले आउटफिट का सब स्टिचिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। मीन्स हम आज गूगल माता हमें मानेक चौक की गलियों गलियों में से घुमा के हमें ये हाईवे पे हमें टच कराया है। इतनी लाइक सिंगल लेन रोड था कि लाइक ओनली अ सिंगल ऑटो रिक्शा कैन जस्ट गो देयर, बट उसमें मैं फोर व्हीलर लेके अंदर घुसा दी गाड़ी। बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत थ्रिल बड़ा, और उसके बाद फाइनली अब जाके हम लोग हाईवे पे टच हुए हैं। सो वी जस्ट केम हियर टू जस्ट पिक अप माय मॉम एंड माय भाभी। यहाँ सब ख़त्म करके फिर हम लोग जाएंगे आउटफिट के लिए, और उसके बाद का प्लान आज के लिए इतना ही समाप्त हो चुका है। शॉपिंग का प्लान था बट शॉपिंग का भी टाइम ही नहीं बचा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 8:34, सो वी डोंट हैव टाइम। हम लोग आए थे लाडली में टू जस्ट ईट समथिंग, और आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टेबल, दिस वाज द टेबल जहाँ हम लोग एक बार बहुत टाइम पहले बैठे थे। यहाँ से काफ़ी मस्त मेमोरी हमारी जुड़ी हुई, दैट्स व्हाई। और अभी आई ऑर्डर माय चिली सी हॉट डॉग और पिज़्ज़ा भी है पीछे, सो जस्ट ईट दिस। सो हियर वी हैव कम एट आवर मामाज होम। आई थिंक ये वीक में इट्स द थर्ड और इट्स द फोर्थ टाइम दैट वी हैव केम हियर। या और इसी बूट्स भी उसके अंदर है, वही मेरी दो मेन चीज़ें जो मैंने आज ली है। आई कैन नॉट शो एग्जैक्टली बट इट इज़ समवॉट लाइक दिस। ऊपर आके अब जाके याद आया कि आउटफिट तो नीचे तो गाड़ी में रह गया, सो जस्ट गोइंग वन सेकेंड डाउन टू जस्ट गेट दैट आउटफिट। फाइनली आउटफिट का स्टिचिंग का मेजरमेंट सब कम हो गया है, टुक अस अराउंड इजिली 1 आवर, फिर मोर देन 1 आवर, लेकिन सब हो गया है और वो हमको मिल जाएगा होपफुली ऑन वेडनेसडे। वी आर लिविंग नाउ करंटली इट्स 11:05 इन द नाइट। आराम से अब लगने वाले हमें मोर देन 1 आवर, मीन्स समवेयर वी विल रीच आवर होम एट 12:30 या तो फिर अराउंड 1 AM इन द मॉर्निंग, बट एनीवेज लेट्स गो नाउ। सो वी हैव जस्ट रीच्ड होम 12:56 इन द या ऑफ कोर्स मॉर्निंग। अभी जस्ट हम लोग घर पे पहुंचे हैं, ड्रॉप माय फ्रेंड एंड या सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग टिल हियर। ओके आई थिंक आई एम नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकंड आई जस्ट ग्रैब दिस बैग्स। या सो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल हियर। इफ यू एंजॉय देन प्लीज लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वो बेल आइकन दबा लो, एंड प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम, नाम है मिस्टर व्लॉगर। सो मैं आप लोगों से मिलूंगा परसों सुबह 9 बजे। टिल देन गुड बाय, सायनारा एंड दासविदान। एंड आई एम लाइक वेरी मच एग्जॉस्टेड प्लस वेरी मच स्लीपी प्लस वेरी टायर्ड बिकॉज इतना हम लोग आज घूमे रखे, मैं क्या बताऊँ। बट एनी वेज दासविदान एंड इट्स एग्जैक्टली नाउ 1 in the morning। अब मुझे कल सुबह आई थिंक आई विल जस्ट वेक अप एट 6:30 एंड उसके बाद आई एम गोना एडिट माई व्लॉग और उसके बाद अपलोड होगा कल सुबह 9 बजे। क्या दासविदान एंड आई कैन नॉट शो कि क्या है वो चीज़, बट या एटलीस्ट आई कैन शो यू दिस मेन ऑर्डर वाला आउटफिट एंड माई वन प्लस का दिस बैक जो आपको आई थिंक मेरे अभी पीछे दिख रहा होगा। बट एनीवेज दासविदान फाइनली बैक होम, चाहता हूँ सीधा सोने। अब सब मिलते गए सीधा परसों सुबह 9 बजे। और वो दो बैग्स में क्या
क्या है I'm not gonna share right now. आपको पता चलेगा 21st के बाद ही सोम 10वीं दिन आ गया।